ओम शांति। आओ चले अमृत वेले का अमृत पीने। सभी तैयार हो जाए अपने प्रियतम से प्राणेश्वर से अपने प्यारे बाप दादा से इस ब्रह्म मुहूर्त में वरदान लेने। अनुभव करें मैं आत्मा लाइट की ड्रेस को पहनकर फरिश्ते रूप में ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूं। देखें स्वयं को सूर्य चांद सबसे पार सूक्ष्म लोक में फरिश्ता पहुंच गया। सामने बाप दादा लाइट और माइट की किरणें फैलाते हुए स्नेह भरी दृष्टि से अमृत वेले के समय बाहें पसारे बाहों में लेके मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। आओ बच्चे गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं छोटा सा नन्ना बालक ईश्वरीय गोद में बैठ गया। बाप दादा मेरे मस्तक पर अपना होली हस्त घुमा रहे। अपने माथे पर होली हस्त घूमता देखे। बाबा मुझे अमृत वेले वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वरदान दे रहे बच्चे बेफिक्र बादशाह भव। अपने सारे बोझ मुझे दे दो। बाबा की आवाज सुने बच्चे मैं तुम्हारी फिक्र लेने आया हूं। तिरसठ जन्म तुमने बोझ उठाया अब मेरे सहारे जियो। मेरे भरोसे जियो। इस वरदान को स्वीकार करे बेफिक्र बादशाह भव। आहा
अमृत वेले। प्यारे बाबा, पूरे वरदानों का फोकस मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। वरदानों का जैसे पूरी लाइट मुझ पे पड़ रही है। जो वरदान लेना चाहे, वरदाता इस समय खाली बैठा है। भोलानाथ बन के वरदान दे रहा है। वरदान दे रहे बाबा बच्चे, रूहे गुलाब भव, आहा, जैसे जैसे ही वरदान मिल रहा है, आत्मा गुलाब की तरह प्रसन्नता से खिलती जा रही है। रूहे गुलाब, गुलाब के पुष्प की तरह आत्मा शिव बाबा की किरणों से खिल गई है। कोई भी बाहरी परिस्थिति मुझ आत्मा की प्रसन्नता को छीन नहीं सकती। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, स्वराज्य अधिकारी भव, आहा, वरदानों को स्वीकार करते जाएं। कितने श्रेष्ठ वरदान बरस रहे हैं। जिन चिंताओं में लोग जीवन जी रहे हैं, और मुझे वरदान मिल गया बेफिक्र बादशाह भव, लोग उदास हैं, चेहरे भुजे हुए हैं, और मुझे वरदान मिल गया रूहे गुलाब भव, लोगों का मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, संस्कारों से परेशान है, और मुझे वरदान मिल गया स्वराज्य अधिकारी भव। वाह, स्वीकार करें सारे वरदानों का फोकस मुझ पर बरस रहा है। मन, बुद्धि और संस्कार फुल कंट्रोल में है। अब चलिए इस लाइट की ड्रेस को यहीं छोड़े।
ज्योति बिंदु आत्मा, चलती है ज्योति के धाम में, एकदम जगमगाती मणि, पॉइंट ऑफ लाइट। आहा, किसके सम्मुख आ गई? परम धाम में महाज्योति की किरणें पूरी से फैल रही है। ये मेरे प्यारे बाबा की सत्यम शिवम सुंदरम की लाइट है। अब बाबा के समीप जाके बैठ जाएं, ज्योति का महाज्योति से मिलन, अमृत वेले के समय बाबा और मैं बस देखते रहे। बाबा ही मेरा सहारा, मेरा सर गुरु, मेरा रक्षक, मेरा कल्याणकारी। खो जाए एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, अब धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो रही हूं। धीरे धीरे उस प्यार के सागर के साथ इस कंबाइंड रूप से पूरी दुनिया को प्यार का करंट शांति का करंट मिल रहा है। समा जाए अब धीरे धीरे बाबा मेरे साथ सूक्ष्म वतन में महाज्योति उतर रही है। महाज्योति के साथ मीठी मीठी रूहान करें, अमृत वेले का समय बाबा के साथ मीठी मीठी रूरिहान करने का है। प्यारे बाबा, ये तो ख्वाबों ख्यालों में न था, किस तरह से नर से नारायण बनने की, जन्म जन्म की राजाई प्राप्त करने की, स्वर्ग के मालिक बनने की,
आप पढ़ाई पढ़ाएंगे। वाह मीठे बाबा वाह। ये तो ख्वाबों ख्यालों में न था कि साकार सृष्टि पर इन साकार नैनों से हम उस परम पिता शिव बाबा का दीदार करेंगे। वाह मेरा भाग्य वाह, जिसकी लोग पूजा करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, कोठरी में बैठ के तपस्या करते हैं, वो इस संगम युग के समय मेरा बाप बनकर मुझे हर गुण हर शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। कभी ख्वाबों ख्यालों में न था कि मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान इतना सहज तरीके से भगवान खुद बैठ समझाएंगे। बाबा से ऐसी बातें करते करते समा जाए उसके प्यार में। लीन हो जाए प्रभु प्यार में। बाबा कभी ख्यालों ख्वाबों में न था कि इतना बड़ा विशाल ब्राह्मण परिवार महान पवित्र आत्माओं का परिवार हमें मिलेगा। अपने भाग्य को देख देख कर बहुत खुश हो जाए। बाबा के स्नेह में समाते जाए। कभी ख्वाबों ख्यालों में न था कि भगवान के यज्ञ से हमारी पालना होगी, उसके भंडारे और भंडारी से हम खा रहे हैं, जीवन पल रहा है। मेरी 84 जन्मों की जन्म पत्री इतनी श्रेष्ठ बन रही है। भाग्य विधाता, भाग्य की चाबी मेरे हाथ में दे दी, कलम दे दी, बच्चे जैसा चाहो अपने सारे जन्मों का भाग्य की रेखा खींच लो। ऐसा ऑफर किसे मिलेगा? मैं
84 जन्म कैसे देखना चाहती हूँ। कुछ संकल्प करें, समा जाए बाबा के प्यार में। समाले स्नेह के सागर की लहरों को, ये प्रभु प्यार मेरी छत्र छाया बन रहा है।
चलिए अब चले। अमृत वेले के समय मनसा सेवा करें, जो सकाश हम इस ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं वो सब आत्माओं तक तीव्र गति से पहुंचती है। तो अनुभव करें सूक्ष्म वतन में लाइट की पहाड़ी पर मैं खड़ी हूं बाबा के साथ। नीचे अनंत असंख्य भक्त आत्माएं, सच्चे भक्त, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, निर्बल आत्माएं खड़ी हैं, लाइट की पहाड़ी पर उनकी पुकार सुने। बाबा कह रहा है हे पूर्वज आत्माएं, दुखियों की पुकार सुनो, भक्त कह रहे हमारी रक्षा करो, आप ही हमारे सहारे दाता हो, हमारे प्राण रक्षक, हमें जीवन के इस भटकन से छुड़ाओ। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। भक्त पुकार रहे हे दीन बंधु, हमें शक्ति दो, हमें सत्य बताओ, तो अब मैं आत्मा सब आत्मिक बंधुओं की पकार सुनकर मेरे अंदर रहम इमर्ज हो रहा है। हम ही तो भक्तों के इष्ट हैं, हमारी मूर्तियों के द्वारा ही तो बाबा इन्हें शांति दे रहा है। हमसे सफलता का वरदान प्राप्त करके ये सफल हो रहे हैं।
अब बाबा के साथ मैंने अपना हाथ इन सब भक्तों पे रख दिया। अनुभव करें बाबा के साथ अपना वरदानी हाथ इन सब दुखी अशांत तनावग्रस्त निराश आत्माओं पे रख दें। हमारे हाथों से गोल्डन किरणें निकलकर इन सब आत्माओं में समा रही है। और इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं सुख शांति शक्ति की वो पूर्ण हो रही है।
पैरों से। मेरी भ्रुकुटी से जो गोल्डन किरणें निकल रही है, वो इन्हें सुख शांति शक्ति की प्राप्ति करा रही है।